इसकी तीसरी आलोचना जो पार्शियली सही है, और मैं अभी क्या सोचता हूं उसके बारे में उसकी बात कर सकते हैं आप, कि लेकिन उस आलोचना को भी हमको संदर्भ में देखना चाहिए। एक स्थिति तो ये थी कि हमारे पहले दस्तावेजों में, जैसा मैंने पहले भी कहा, ज्ञान शास्त्र का या मीमांसा के लिए कोई खास जगह नहीं है और उसकी कोई विवेचना उनमें नहीं पाई जाती, या हम किस प्रकार की एपिस्टेमोलॉजी स्वीकार कर रहे हैं वो वहां पर स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। और फिर एपिस्टेमोलॉजी और शिक्षण शास्त्र का रिश्ता कायम करना होता है, तो जब उल्लिखित ही नहीं है तो उस रिश्ता कायम करने की तो बात ही नहीं हो सकती थी। तो इस दस्तावेज में एक तो बड़ा जंप है कि एपिस्टेमोलॉजी, किस तरह की एपिस्टेमोलॉजी को स्वीकार कर रहा है दस्तावेज, उसका उल्लेख है, उसका डिटेल है, और पेडागोजी से उसका रिश्ता है, तो ये तो एक प्रकार का जंप है। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि उस रिश्ते में टेंशन और कंट्राडिक्शन है, तो ये दस्तावेज एपिस्टेमोलॉजिकली एंड पेडागोजिकली कंट्राडिक्शन फ्री नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक इसको किसी ने इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है कि उन कॉन्ट्रडिक्शंस को कोई अंडरलाइन करके उन पर बहस आरंभ कर सके, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, कुछ सामग्री हो जो मेरी जानकारी में नहीं हो, यह संभव है। एक आलोचना इसमें से निकलती है जो शुरू में हुई थी। शुरू में जब सहमत ने कुछ मीटिंगें इस पर की थी, जो जिसमें ये ज्ञान को किस दृष्टि से देखता है वो बात भी उठाई गई थी, और उसमें दो बिंदु उठाए गए थे। एक तो इसमें ज्ञान की एक परिभाषा दी गई है कि ज्ञान अनुभव का व्यवस्थित रूप है, और वो व्यवस्थित करना भाषा के माध्यम से होता है, और ये आगे अनुभव को समझने में और एक्शन करने में काम आता है। तो लोगों को लगा कि ये परिभाषा बहुत उपयुक्त नहीं है। एक्चुअली वो थोड़ा सा दो चार पैराग्राफ तक आगे पढ़ते तो, या पढ़ाई होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, इसको डिफेंड किया जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि अनुभव ज्ञान है, यह कहा जा रहा है कि अनुभव ज्ञान का आधार है। भाषा के माध्यम से आप अनुभव में से अवधारणाएं बनाते हो और उनकी संरचनाएं बनाते हो, वो ज्ञान है। तो एक हद तक ये आलोचना गड़बड़ थी, लेकिन आगे जब ये बात कही गई कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के ज्ञान का निर्माण कर ले, वो सारा का सारा उपयुक्त और स्वीकार्य ज्ञान है, तो यहां आके फिर वो जो समस्या मैं पहले कह रहा था वो शुरू होती है। वो जो टेंशन है इस डॉक्यूमेंट का, वो इसमें जो जवाब है उपलब्ध इस सवाल का, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाने देता। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है, हाँ, खास तौर से। ना, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक तो क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह की हो सकती है जो मैं अपने मन में कर रहा हूँ, एक क्रिटिकल थिंकिंग इस प्रकार की हो सकती है जो किसी प्रकार के सामाजिक क्राइटेरिया या सामूहिक क्राइटेरिया के आधार पर है। तो क्योंकि ये दस्तावेज इतनी बार बच्चे को केंद्र में रखने की बात करता है, और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात इतनी ज्यादा की जा रही है, कि वो जो दूसरी बात बड़े सपाट भाषा में कह दी गई है कि प्रत्येक ज्ञान किसी न किसी प्रकार के आधारों की मांग करता है, जिसको आप पब्लिकली डिबेट कर सकें, जिसको दूसरे लोगों के साथ जिस पर बात कर सकें, और आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, ये बात कही गई है इस दस्तावेज में। लेकिन इसको जितनी जगह है और बच्चे के ज्ञान निर्माण की जितनी जगह है, उसको देखते हुए उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो पार्शियली आप कह सकते हैं ये ठीक है। दूसरा, मैं जो टेंशन की बात कर रहा था वो इसलिए भी मैं कह रहा था कि खूब सारा कंस्ट्रक्टिविज्म की बात, और बच्चा अपने आप ज्ञान निर्माण करता है, ये बात होती है। फिर एक जगह जाके कि अब ये बच्चा जो ज्ञान निर्माण करता है, इसको कुछ शर्तें पार करनी होंगी, तब जाके इस ज्ञान को हम सामाजिक रूप से काम के ज्ञान के रूप में, या सामाजिक नहीं, अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ने के लिए काम के ज्ञान के रूप में देखना शुरू करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद पुरानी वाली बात को फिर से एम्फसाइज कर दिया जाता है। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है जैसे दो विचार हैं, दोनों दस्तावेज में हैं, दोनों कुछ सॉर्ट ऑफ
अपने अपने पक्ष को पुष्ट करते हुए और दूसरे को एक हद तक टॉलरेट करते हुए, लेकिन उसके साथ बिना पूरी तरह से एंगेज किए हुए बढ़ रहे हैं। तो ये इस दस्तावेज की खामी है, लेकिन इस ढंग से किसी ने इसको क्रिटिक इस ढंग से नहीं किया। तीसरी जो क्रिटिसिज्म हुई थी वो इस बात को लेकर थी कि स्थानीय ज्ञान को, लोकल नॉलेज, बच्चे के परिवेश के ज्ञान को इज्जत से देखने की बात इसमें कही गई है और ये तो अंधविश्वास बढ़ाएगा। मेरे विचार से गलत क्रिटिसिज्म थी, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि गांव में, समाज में, जहां कहीं भी बच्चे के परिवेश में जो कुछ माना जाता है वो यूं का यूं ले आइए, बल्कि उदाहरण देके समझाया गया है कि उसको कक्षा में और स्कूल में आने दीजिए और उस पर चर्चा करिए, उस पर बहस चालू करिए, उसको जांचिए और उसको कुछ क्राइटेरिया के आधार पर जांचिए। यदि आप ऐसा करेंगे तभी जाके जिस प्रकार के का बिलीफ सिस्टम लोगों के मन में है वो क्वेश्चन होगा। यदि आप शिक्षा को उससे एकदम अलग करके चलेंगे तो उसको कभी क्वेश्चन होने का आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि आप स्थानीय गान को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लीजिए। रेस्पेक्ट देने का आशय ये नहीं है कि मान लीजिए, रेस्पेक्ट देने का आशय है कि अपने विचार को आप जितनी इज्जत के साथ जांचते हैं और उसके पक्ष में तर्क देते हैं, दूसरे को भी इतनी ही इज्जत के साथ अपने विचार के पक्ष में तर्क देने का मौका दीजिए और उसको भी इतनी इज्जत के साथ जांचिए, उसको ये तो छोड़िए का चक्कर मत करिए। तो ये मेरे विचार से उपयुक्त क्रिटिसिज्म नहीं थी। आरंभ में एक और क्रिटिसिज्म इसकी हुई थी, मेरे विचार से वो भी गलत थी। वो ये थी कि ये दस्तावेज खुले तौर पे ये नहीं कहता कि 2000 के दस्तावेज में जिस प्रकार की सांप्रदायिक भावनाएं आ गई थी उन भावनाओं को दुरुस्त करने के लिए ये दस्तावेज बनाया गया है। एक्चुअली ये कहने की जरूरत नहीं थी, इस पर बात हुई थी, बहस हुई थी इस पर अच्छी खासी, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी और कई जगह पर, कि भाई राष्ट्रीय दस्तावेजों में कई प्रकार के विचलन और कई प्रकार की चीजें आ सकती हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक ऐसा दस्तावेज बनाएं जिसके पास एक बहुत मजबूत थ्योरेटिकल आधार है और इसलिए वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज पॉलिटिकल फुटबॉल न बन सके। उसको जो भी पॉलिटिकल फुटबॉल बनाना चाहे उसको कुछ बहुत ठोस शिक्षा शास्त्रीय और शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों से टकराना पड़ेगा और इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कि रेशनल चिंतन और शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि को इसके केंद्र में रखते हैं, जिससे अपने आप उसका इलाज हो जाएगा बिना झंडे उठाए। तो ये क्रिटिसिज्म उपयुक्त नहीं थी। एक और क्रिटिसिज्म है जो मेरे मन में आती है, जो मैंने पहले वाली बात कही उसी प्रकार की कुछ और चीजें हैं, लेकिन इसका मुझे पता नहीं है आज के दिन कि राष्ट्रीय दस्तावेजों में वो लाजमी है क्या। क्या होता है राष्ट्रीय दस्तावेज की, चाहे वो करिकुलम दस्तावेज हो या कोई भी और दस्तावेज हो, नीतिगत दस्तावेज हो, उसके लिए लाजमी होता है कि वो पूरे राष्ट्र को साथ लेके चले और राष्ट्र में एक से अधिक प्रकार की विचारधाराएं और एक से अधिक प्रकार के इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। तो एक डेमोक्रेसी में उस सबको जगह मिलनी चाहिए। यदि सबको जगह मिलती है तो थ्योरेटिकल दृष्टि से कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाना किसी दस्तावेज की बहुत मुश्किल होती है। तो इसका यदि मैं फिलोसॉफिकली अध्ययन करूं तो इसमें उस प्रकार के खिंचाव और कॉन्ट्रडिक्शंस कई जगह नजर आ सकते हैं, लेकिन अब भी मैं तय नहीं कर पा रहा हूं मैं उसको कमजोरी मानूं या उसको किसी भी राष्ट्रीय दस्तावेज की लाजमी शर्त के रूप में देखूं। क्योंकि मान लीजिए कि शिक्षा के बारे में या शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में एक से अधिक मत हैं और जिसको आप रिजोल्व नहीं कर पाए हो, तो उसकी झलक दोनों की बात किसी दस्तावेज में करनी होगी और इसलिए आपको टेंशन नजर आने लगेगा दोनों विचारों में। तो ये जैसे कोई आदमी बहुत व्यवस्थित शिक्षा शास्त्र करे या शिक्षा दर्शन करे और अपना पर्चा लिखे उस पर, वो जितना सुसंगत और कंसिस्टेंट हो सकता है, ये दस्तावेज उतना सुसंगत और कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन साथ ही
किसी राष्ट्रीय दस्तावेज से उस कदर सुसंगत और कंसिस्टेंट होने की मांग करनी भी चाहिए या नहीं, ये सवाल भी अपने आप में उठता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सारे ही दस्तावेजों में कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ खामियां रहती हैं, कुछ मजबूतियां होती हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा और मजबूत दस्तावेज है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं और एनसीईआरटी को शायद कम से कम 2 साल पहले इसके रिव्यू पर काम शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति में भी ये लिखा हुआ है कि हर 5 साल में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को रिव्यू करना चाहिए। आप रिव्यू करके चाहे किसी भी चीज को न बदलें, लेकिन एक बार बहस को दोबारा खोलने की जरूरत होती है और वो टाइम ऑलरेडी निकल चुका है। तो मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी और केंद्र सरकार सो क्यों रही है इसमें। तो अब शायद इसको रिव्यू किया जाएगा कभी, तब शायद इन चीजों का इलाज हो। अभ्यास के अलावा तो कुछ नहीं है। एक बात जो पहले आ चुकी है और हम मान सकते हैं कि भाई आप ये सारे जो दस्तावेज हैं, शिक्षकों की जितनी तैयारी होगी उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लासरूम में और इन चीजों को ला सकते हैं व्यवहार में। लेकिन टीचर ट्रेनिंग जिस पे आजकल बहुत जोर है, उसके लिए इससे क्या चीजें निकल के आती है सीधे सीधे कि हम किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग में अगर इनको लाना चाहते हैं तो क्या किया जाना चाहिए उसके लिए, उसके निहितार्थ क्या होंगे? नहीं, आप कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? मतलब मैं दोनों ही तरीके की, इन सर्विस ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग, ओवरऑल टीचर एजुकेशन। देखिए, आप यदि प्री सर्विस की बात कर रहे हैं तो कुछ हद तक एक अटेम्प्ट एनसीटी, क्या नाम है उसका, एनसीटी का जो दस्तावेज है वो भी कुछ एनसीएफटीई उसका नाम है पूरा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो कुछ हद तक उसमें ये कोशिश हुई है, लेकिन ये दस्तावेज मुझे नहीं लगता कि वो दस्तावेज पूरी तरह से उस अपेक्षा के साथ न्याय करता है। ये दस्तावेज जिस चीज़ की डिमांड करता है शिक्षक से, वो एक स्वतंत्र नज़रिए वाले जागरूक और समर्थ शिक्षक की मांग करता है, और उसके बिना इसको लागू करना बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा एक शब्द कई बार काम में लिया जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। अब लोग इस बात को नारे के रूप में तो खूब काम में लेते हैं, लेकिन किसी भी चीज पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर होने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत होती है। आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए थ्योरेटिकल, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन का काम सिद्धांतों के माध्यम से करते हैं। आपकी आप कितना ही कहिए, रिफ्लेक्शन आपकी उंगलियां या घुटने नहीं करते, वो दिमाग करता है और वो सिद्धांतों के आधार पर करता है। तो आपके पास यदि सिद्धांतों का कोई ढांचा, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। इमेजिनेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कविता कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन तो उस कदर नहीं हो पाएगा। तो एक तो ये डिमांड करता है। दूसरा डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस में बहुत गंभीरता से जुड़े, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो आप पूरी संलग्नता से करने की कोशिश करें। और तीसरी बात यह है कि आप दोनों के मेल के प्रति बहुत जागरूक रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खास प्रकार के करिकुलम की और शिक्षण शास्त्र की डिमांड करता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और उसमें निश्चित रूप से फिलोसॉफी और एपिस्टेमोलॉजी के बारे में शिक्षक का सफिशिएंट ज्ञान हो, शिक्षा के सोशल विश्लेषण का, सामाजिक विश्लेषण का सफिशिएंट ज्ञान हो, और पेडागोजी के ऊपर जितने भी नज़रिए हैं शिक्षण शास्त्र के ऊपर, क्रिटिकल पेडागोजी से लेके या कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका काफ़ी सारा ज्ञान हो। और ये तब हो पाएगा जब शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक्टिवली काम करते हुए स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को इनको आपस में जोड़ने का मौका मिलेगा कि आपने पढ़ा दिया 2 साल तक और अब जाओ, नहीं होगा।
आप ये पढ़ा रहे हैं उसी वक्त साथ साथ कुछ काम करना पड़ रहा है, दिखाने के लिए अभ्यास नहीं, सचमुच का बच्चों को पढ़ाना और उसका विश्लेषण हो रहा है, तब ये चीजें जुड़ेंगी। तो दो बातें मैं एक साथ कह रहा हूं, एक तो जितना थ्योरेटिकल डेप्थ हमारे शिक्षक करिकुलम की है उसको बढ़ाना होगा, और दूसरा उसको प्रैक्टिस से जोड़ने की बेहतर व्यवस्थाएं करनी होंगी, और तीसरा आपको थोड़े ज्यादा एकेडमिक रूप से तैयार लोगों को एडमिशन देना होगा। इस वक्त आप एकेडमिक रूप से शिक्षण महाविद्यालयों में जितने तैयार व्यक्तियों को दे देते हैं एडमिशन, वो शायद न कर पाए ये काम, तो आपको बेहतर क्वालिटी के स्टूडेंट्स चाहिएंगे उसके लिए। इसके अलावा सेवा कालीन प्रशिक्षण का जहां तक सवाल है, उसका तो आपने यहाँ कोई ठीक से रूप ही नहीं बनाया अभी तक, इसलिए उसमें तो बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और हमारा नजरिया इसमें ये रहा है, जब हमने सेवाकालीन प्रशिक्षण में कुछ काम किया उसमें उसको लगाने की भी कोशिश की, कि फुटकर विधियां बताने से शिक्षक का नजरिया और शिक्षक की क्षमता दोनों ही विकसित नहीं होती। पहले आपके पास एक सामाजिक और शैक्षिक ढांचा हो जिसमें आप उन फुटकर विधियों की कीमत देख सकें, तब जाके वो फुटकर विधियां काम की होती है। और यदि आपके पास सामाजिक और शैक्षिक ढांचा है तो फुटकर विधियां तो आप फिर भी ईजाद कर सकते हो, एक्टिविटी और फुटकर विधियां, लेकिन सिर्फ एक्टिविटी और फुटकर विधियों के माध्यम से आप यदि ये अपेक्षा करते हो कि शिक्षा और समाज का के बारे में कोई नीति या सिद्धांत का ढांचा बन जाएगा, तो आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं बनता। तो अभी हमारा जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही अविकसित अवस्था में है। उसमें या तो लोग भाषण देते हैं जो अधिकतर रेटोरिक और मोरल प्रचार होता है, या उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग तबका है जो गतिविधियां 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 करवाता है, जो गतिविधियां आपस में न जुड़ती हैं न उनके पीछे का सैद्धांतिक आधार पता चलता है, और क्योंकि गतिविधियों में सबको लगता है बहुत आनंद आ गया तो फिर वो बगले बजाते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन शिक्षा वही रहती है जहां पहले थी। तो दोनों काम करने होंगे।